वक्त की बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से, जहां केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का देर रात 2 बजे निधन हुआ। अनंत कुमार लंबे वक्त से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। 59 साल की उम्र में अनंत कुमार का निधन हुआ है। 2 बजे उन्होंने बेंगलुरु में आखिरी सांस ली। अनंत कुमार के निधन को लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इस बीच पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अनंत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि अनंत कुमार जी एक अच्छे प्रशासक थे, जिन्होंने कई मंत्रालयों को संभाला और वो बीजेपी संगठन के लिए एक धरोहर थे। उन्होंने कर्नाटक में पार्टी की मजबूती के लिए कड़ी मेहनत की थी, खासकर बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों में। वो हमेशा अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध रहते थे। वहीं निर्मला सीतारमन ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अनंत जी के निधन के बारे में सुनकर गहरा सदमा लगा है। उन्होंने हमेशा बीजेपी की सेवा की, बेंगलुरु हमेशा उनके दिल और दिमाग में था। भगवान उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि यकीन ही नहीं हो रहा, अनंत कुमार जी हम सभी को यूं अचानक छोड़कर अनंत यात्रा पर चले गए। उन्होंने कभी किसी को अपनी बिगड़ती तबीयत का एहसास नहीं होने दिया और पूरी ऊर्जा के साथ काम में लगे रहे। उनके जाने से खाली हुए जगह को भरना असंभव है। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। वहीं केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने ट्वीट किया कि दिल और दिमाग बहुत भारी है। सच्चाई ये है कि प्यारे दोस्त और भाई अनंत कुमार नहीं रहे। बहुत ही दुखद घटना है। हम गहरे शोक में है, सदमे में है। हम आज बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत सदमा देने वाला ये निधन है उनका। और हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। अब हम बंगलोर जाएंगे, तब उनके अंत्येष्टि में शामिल होंगे। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, अनंत कुमार का जाना बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है। बिल्कुल, एक बड़ी क्षति है, क्योंकि अनुभवी नेता थे और 1996 से अब तक के उनके लोकसभा के कार्यकाल को देखा जाए तो बतौर मंत्री उन्होंने एक लंबा अरसा बिताया। 13 महीने की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी की बनी थी 98 में, उसमें वो नागरिक उड्डयन मंत्री थे। फिर वाजपेयी की सरकार 99 में दोबारा बनी, तब भी वो 6 साल मंत्री थे। और अब नरेंद्र मोदी की सरकार में भी 5 साल 4.5 साल वो मंत्री रहे। तो अपना पूरा अगर लोकसभा का करियर देखा जाए तो मंत्रालय में बिताया है, और जो 10 साल मनमोहन सिंह के रहे उसमें विपक्ष में बिताया है। और जाहिर तौर पर एक लोकसभा और बीजेपी की राजनीति को उन्होंने नई दिशा देने का काम किया है, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो कर्नाटक में बीजेपी का जो उत्थान हुआ है, बीजेपी सत्ता तक आ चुकी है। 2007 में बीजेपी ने वहाँ सरकार भी बनाई थी येदियुरप्पा के नेतृत्व में, और उसमें बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है अनंत कुमार, येदियुरप्पा के साथ अनंत कुमार का भी रहा है। क्योंकि 2003-04 में जब पार्टी वहाँ बन रही थी तब अनंत कुमार वहाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, और काफी मेहनत से उन्होंने बेंगलोर से लेकर तमाम इलाकों में पार्टी को मजबूत बनाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शुरू से संघ से जुड़े रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव बने। तो जाहिर तौर पर पुराना संघ का साथ था, बीजेपी का साथ था, युवा मोर्चा की राजनीति की। तो एक तरह से कहा जाए तो खांटी राजनेता थे वो, जिनके अनुभवी हाथ की कमी बीजेपी लगातार महसूस करेगी और सरकार भी। बिल्कुल अमिताभ, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।